डीएवी स्कूल के वार्षिक उत्सव में अतिथियों ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों को नया करने और नया सीखने को मिलता है। वार्षिक उत्सव में बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। काशीपुर में डीएवी स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर वार्षिक उत्सव मनाया। इस समारोह में मुख्य अतिथि विजयन चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में पंजाबी लोकगीत के साथ पहाड़ी लोक नृत्य और गीतों की प्रस्तुति दी गई। इसके साथ साथ स्कूल के छात्रों ने साइंस के नए नए प्रोजेक्ट और चिकित्सा से संबंधित प्रोजेक्ट के माध्यम से नए आयाम प्रस्तुत किए। साथ ही छात्रों ने खुद के द्वारा तैयार खाने पीने की सामग्री के स्टॉल भी लगाए। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर मनीष गोयल ने बताया कि इस डीएवी स्कूल में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार ये समारोह आयोजित किया गया है। इससे बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा उभर कर सामने आई और अन्य बच्चों को कुछ नया सीखने को मिला। कहते हैं ना, जब दिन होता है तो रात होती है और फिर रात होती है तो दिन भी होता है। तो एक दिन ऐसे होने लगा था विद्यालय का जैसे सांझ होने लगी हो, और उसी रूम में फिर एक किरण की रोशनी बन के आए डॉक्टर मनीष गोयल जी, और फिर सूरज को उतनी ही तेजी से निकाला जितनी तेजी से गर्मी की जून की धूप में सूरज के सामने टिका नहीं जा सकता, उतनी ही तेजी से इस विद्यालय का फिर से विकास आपके और आपकी टीम के द्वारा हुआ। मैं धन्यवाद देता हूं खेलों की दुनिया में अपना अलग पहचान बनाने वाले यहाँ के HOD धर्मराज बिष्ट जी। मैं तो यही कहूंगा कि बिष्ट जी, आप हिंदुस्तान के सबसे अच्छे फिजिकल एजुकेशन में अपना नाम रखते हैं। मेरे बीच में हमारे उत्तराखंड पुलिस के रेसलिंग के चीफ कोच वीरेंद्र यादव जी भी मौजूद हैं, और मैं आपको क्या कहूं, क्योंकि ये नए सवेरे की फिर से शुरुआत है डीएवी स्कूल में, जो एक ग्रहण सा लग गया था। तो इतना ही कहेंगे कि संघर्ष के अंधेरे में अपने हौसलों को कमजोर मत होने देना गोयल जी, संघर्ष के अंधेरे में अपने हौसलों को कमजोर मत होने देना। ऐसा है, बच्चों ने कुछ प्रोजेक्ट जो हैं साइंस के तैयार किए हुए थे, तो एक हमें साइंस एग्जीबिशन कराने का प्रोग्राम हमारा काफी समय से चल रहा था। अब क्योंकि साल भी अब 2023 जाने पे है, तो हमने लगा कि उसमें थोड़ा सा एक फेट अगर हम ऐड कर देते हैं तो थोड़ा सा उसमें जो अभिभावक हैं वो भी और बच्चे भी काफ़ी रुचि लेते हैं और एंजॉय भी करते हैं। तो हमने उसमें एक फेट ऐड कर दिया, और बच्चों के कुछ कार्यक्रम मैं जब यहाँ डीएवी में आया अप्रैल के महीने में, तो मैंने इनको कुछ कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा था, तो बच्चों के कुछ डांसेस भी तैयार थे। एनुअल फंक्शन कराने का पूरा मौका मुझे नहीं मिल पाया, इतना समय नहीं था कि हर चीज़ को मैं अच्छे से तैयार करवा पाता, तो वो झलक भी हमने इसी में आज कवर कर दी और बच्चों ने खूब एंजॉय किया और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, ऐसा मुझे दिख रहा है। सबका सहयोग है, टीचर्स का, पार्टिसिपेंट्स का, पेरेंट्स का और समाज का, तो मैं सबका धन्यवाद करूँगा इसमें। आई थैंक all the teachers and congratulate all the children who are the participants and who are the spectators. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।